हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरीज किचन। आज मैं बना रही हूँ दिल्ली की फेमस राज कचौड़ी चाट। आइए शुरू करते हैं। ये मैंने एक कप मैदा ले लिया है, इसमें मैंने अजवाइन डाल दिया है और स्वाद के अनुसार नमक डाल दिए हैं। दोस्तों, ये कचौड़ी काफ़ी टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, आप एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। मैदे, अजवाइन और नमक को अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे और इसमें मोइन के लिए ऑयल डाल देंगे। दोस्तों, मैंने ऑयल डाल दिया है और इनको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इनसे हमारी कचौड़ी और भी स्वादिष्ट और सॉफ्ट बनेगी। दोस्तों, अच्छी तरीके से हमने मिला लिया है इसको और इनमें पानी डाल के एक डो लगा लेंगे। दोस्तों, डो ज़्यादा मुलायम नहीं लगाना है, थोड़ा टाइट ही लगाना है। इस तरीके से डो हमारा लग के तैयार हो गया है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। दोस्तों, हमारा डो रेस्ट कर लिया है, इसको फिर से अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अच्छे से मिला लेना है एक बार। डो को हमने मिलाकर तैयार कर लिया है दोस्तों। अब हम इसकी लोइयां काट लेंगे। दोस्तों, ये चाट काफ़ी टेस्टी बनता है, आप एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इनकी हम कचौड़ियां बेल लेंगे दोस्तों, इस तरीके से बेलते हुए इनकी हम सारी कचौड़ियों को बेलकर हम तैयार कर लेंगे। कचौड़ियों को हमने बेल लिया है दोस्तों, देखिए हमने तैयार कर ली है। गैस पे पैन रख दिया है दोस्तों, ऑयल मेरा गरम हो गया है और कचौड़ियों को इनमें डालकर लाल लाल निकाल लेंगे। दोस्तों, इस तरीके से देखिए कचौड़ी हमारी फूल गई है और इनको अच्छी तरीके से लाल होने देंगे। अपनी कचौड़ियों को दोस्तों हमने निकाल लिया है। सारी कचौड़ियाँ इसी तरीके से लाल लाल हमने सेक के निकाल लिए। दोस्तों, ये मैंने चाट का सामान ले लिया है, मैंने छोले को बना के ले लिया है, काला नमक, पापड़ी, चाट मसाला, दही, इमली की चटनी, सेव, कटे हुए प्याज, मिर्च, धनिया पत्ती, जीरा पाउडर, ये सारा सामान दोस्तों हमने ले लिया है। इनसे हम कचौड़ी चाट तैयार करेंगे। दोस्तों, मैंने प्लेट में कचौड़ी ले लिया है, इनकी प्लेटिंग कर देते हैं, बीच से इनमें जगह बना लेंगे। दोस्तों, आप ये चाट एक बार बनाकर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। बीच में छोले डाल देंगे, इस तरीके से छोले को दोनों में डाल देंगे, दही डाल देंगे ऊपर से, दही हमने डाल दिया है। दोस्तों, इसमें पापड़ी डाल देंगे, पापड़ी से ये और भी स्वादिष्ट लगेगी। इमली की चटनी डाल देंगे, इससे कचौड़ी चाट और भी टेस्टी लगेगी। इमली की चटनी डाल दिए हैं। दोस्तों, इसमें हरी चटनी डाल देंगे, हरी चटनी से ये और चटपटी लगेगी। बारिश के मौसम में दोस्तों ये बहुत ही अच्छी लगती है। इसमें कटे हुए प्याज, हरी मिर्च और हरी धनिया पत्ती डाल देंगे। यहाँ हमने चाट मसाला डाल दिया है, काला नमक डाल देंगे फ्रेंड्स और सेव डाल देंगे। सेव डाल दिया है हमने, कुछ अनार के दाने डाल दिए हैं। इनसे खाने में कचौड़ी चाट और भी स्वादिष्ट लगेगी। ऊपर से इमली चटनी डाल देंगे। फ्रेंड्स, हमारी राज कचौड़ी चाट की रेसिपी तैयार हो गई है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।